अभिनेता वरुण धवन मुंबई के सिनेमा हॉल पहुंच गए ये देखने के लिए कि उनकी फिल्म जुग जुग जियो को देखने के बाद दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है। वरुण को सिनेमा हॉल में देखकर फैंस टूट पड़े। वरुण का हर एक फैन उन्हें देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। मुंबई के बांद्रा में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक साथ स्पॉट किए गए। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पिछले दिनों दोनों के रिश्ते टूटने की खबरें आई थी, मगर भूल भुलैया 2 के दौरान बताया जाता है कि दोनों के बीच पैचअप हो गया। फिल्म भूल भुलैया 2 की शानदार कमाई से खुश होकर इसके निर्माता भूषण कुमार ने इसके हीरो कार्तिक आर्यन को MC लारुन कार गिफ्ट की है। भूल भुलैया 2 से ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की और 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। इसकी खुशी में कार्तिक को महंगी कार गिफ्ट की गई। वरुण धवन और जानवी कपूर पहली बार एक साथ काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है बवाल। इसकी शूटिंग के लिए दोनों सितारे मुंबई से निकल चुके हैं। वरुण ने अपनी फिल्म जुग जुग जियो को रिलीज होते ही फिल्म बवाल की शूटिंग के लिए रवाना हो गए हैं। अभिनेता कार्तिक आर्यन को संजय लीला भंसाली के ऑफिस पर स्पॉट किया गया। बताया जा रहा है कि कार्तिक वहां मीटिंग के लिए गए थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि किस फिल्म की मीटिंग थी, मगर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि भूल भुलैया 2 की सफलता के बाद हो सकता है कि संजय लीला भंसाली कोई फिल्म कार्तिक के साथ करें। अभिनेता अर्जुन कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। ये दोनों कहां गए हैं उसका खुलासा तो फिलहाल नहीं हो पाया है, मगर बताया जा रहा है कि शायद अर्जुन कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट करने दोनों मुंबई से बाहर गए हैं। 26 जून को अर्जुन कपूर का जन्मदिन है। सारा अली खान ने अपनी शादी के लिए एक बड़ी शर्त रखी है। वो चाहती है कि वो ऐसे लड़के से शादी करें जो उनकी मम्मी अमृता सिंह के साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए सारा ने कहा कि वह अपनी मां के बहुत करीब है और उन्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकते, और इसीलिए ऐसे लड़के से शादी करेंगी जो उनकी मां के भी साथ रहे। फिल्म शमशेरा के ट्रेलर रिलीज होने के बाद बॉयकॉट शमशेरा ट्रेंड कर रहा है। दरअसल संजय दत्त इस फिल्म में खूंखार विलन बने हैं जिनका नाम शुद्ध सिंह रखा गया है। माथे पर तिलक है, इसीलिए हिंदुओं को ये बात खटक रही है और कह रहे हैं कि हिंदुओं को बदनाम करने का ये काम किया जा रहा है, जिसे बंद कर देना चाहिए। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी वापसी करने जा रही है। मंदाकिनी की वापसी एल्बम के जरिए हो रही है, जिसका नाम है माँ ओ माँ। इस एल्बम का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। अपने जमाने की बेहद कामयाब एक्ट्रेस के साथ दाऊद इब्राहिम का नाम जुड़ा, वो बॉलीवुड से गायब हो गई। अब एक बार फिर वो वापसी की तैयारी में है। कल्ट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का तीसरा भाग बनने जा रहा है। इसके निर्माता ने जानकारी दी है कि फिल्म अपनी ओरिजिनल स्टार कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ बनेगी। इस फिल्म की आधारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है।